मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। दुआएं तो बहुत मिली है आपको, लेकिन आज मैं आपको ऐसे 5 इम्पॉर्टेंट वाक्य बताने वाला हूँ जो आपके मैरिड लाइफ में बहुत 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 ज़रूरी है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये 5 सेंटेंस गलती से भी, भूल कर भी, कभी भी अपनी बीवी से मत कहना, वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो ये कौन से वाक्य है, ये कौन से सेंटेंस है, क्या आप जानना चाहते हैं? डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये 5 सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए अपनी बीवी से मत कहना, क्योंकि उनको इन सेंटेंस से बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। सो कौन से ये वाक्य है तो सुनिए। पहला सेंटेंस है, तुम बहुत मतलबी हो। ये बहुत सिंपल सा लगने वाला वाक्य है, शायद आपने बहुत बार अपनी बीवी को ऐसा बोला भी होगा, लेकिन ये वाक्य गलती से भी दोबारा मत बोलना। आज के बाद कसम खा लीजिए कि कुछ भी हो जाए ये सेंटेंस आप उनसे नहीं कहेंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि फीमेल्स जो होती है, जो लेडीज़ होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। शादी के बाद छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है, लेकिन लेडीज़ जो होती है उनके दिल को ये बात चुभ जाती है। जब आप कहते हैं कि तुम बहुत मतलबी हो, आप बोल के छोड़ देते हो, लेकिन दिल तक उनके ये बात जाके पहुँचती है, क्योंकि उनकी दुनिया में वो जो भी काम कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, दोनों के लिए कर रहे हैं और परिवार के लिए कर रहे हैं। तो उनकी नज़र में, उनकी दुनिया में, उनके एस्पेक्ट से वो मतलबी हो ही नहीं सकती, और आपको ऐसे लग रहा है, ये बात सीधी उनके दिल में जाके लगती है। तो गलती से भी ये बात मत कहना। दूसरी बात, मुझे तुम्हारी माँ बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सेंटेंस भी बहुत डेंजरस है। थोड़ा सोचिए, मेल और फीमेल, जेंट्स और लेडीज, दोनों के नेचर में, दोनों के स्वभाव में बहुत फर्क है। आदमी जो है, आदमी माँ बाप से उतना अटैच नहीं होता है, बच्चा लड़का माँ बाप से उतना अटैच नहीं होता है जितनी लड़कियां होती है। माँ बाप उनके लिए भगवान होते हैं। आपकी बहन को भी देखिए, वो आपके माँ बाप से कितनी ज़्यादा अटैच है। और जब आप आपकी बीवी से ये कहते हो कि मुझे तुम्हारी माँ पसंद नहीं है, तो उनके दिल को बहुत चोट लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसके अंदर से फीलिंग ये आती है, वो बोलेगी भी आपको कि अगर मेरी माँ पसंद नहीं तो मैं भी आपको पसंद नहीं, जा रही हूँ मैं छोड़ के। गलती से भी ये वाक्य नहीं बोलना है कि तुम्हारी माँ पसंद नहीं है। तीसरा सेंटेंस, मेरा काम, मेरा जॉब तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ऐसे होता है, देखिए आप क्या होता है हमारे लिए, हम लड़कों के लिए, मेल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? काम, जॉब। क्योंकि हमारी दुनिया में अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर हम जॉब पे नहीं जाएंगे, तो पैसे कैसे लाएंगे, घर कैसे चलाएंगे? इसीलिए हमारी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा काम। लेकिन हमारी वाइफ के लिए, आपकी वाइफ के लिए, मेरी वाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे प्रायोरिटी पे कौन है? काम से भी ज़्यादा ज़रूरी। इस दुनिया में सबसे पहली प्रायोरिटी हर मैरिड लेडी के लिए होती है उसका हस्बैंड। तो जब आपने उसकी जगह पे काम को रख दिया एक नंबर पे, यानी कि एक नंबर पे आपने बोल दिया कि मेरा काम और तू 2 नंबर पे, तो ये बात उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचाती है। गलती से भी ये सेंटेंस नहीं बोलना है आपने। चौथा सेंटेंस, तुमसे शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर ली। ये गलती से भी नहीं बोलना है। जैसे ही आपने उनको ऐसा बोल दिया, लेडीज में जनरली आपने देखा होगा बहुत मेकअप करती है लेडीज, क्यों? वो अच्छा दिखना चाहती है, वो हमेशा किसी भी काम के लिए अप्रिसिएशन चाहती है, वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे अच्छा बोले, मुझे अप्रिशिएट करे, मेरी तारीफ करे, क्योंकि उनके लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे ही आपने बोल दिया कि तुमसे शादी करके
मैंने सबसे बड़ी भूल कर ली, वो खुद को ही रिप्रोच करने लगती है, खुद को ही दोष देने लगती है और ये उनके लाइफ में सबसे बुरी बात होती है। इसलिए इस सेंटेंस को कभी भी नहीं बोलना है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुमसे तो .. ये अच्छी है, तुमसे तो वो अच्छी है, तुमसे तो ये ज्यादा अच्छा काम करता है, तुमसे तो घर की नौकरानी अच्छी है, तुमसे तो पड़ोसन अच्छी है। गलती से भी ये सेंटेंस अपनी वाइफ से मत बोलना, क्योंकि लेडीज जो होती है वो खुद की कंपेयर किसी से बिल्कुल भी करना नहीं चाहती, वो ही सबसे अच्छी आपके नजरों में बनना चाहती है। वो चाहती है कि आप उनको ही एक्नॉलेज करें, उनको ही अप्रिशिएट करें, और जब आप किसी दूसरे का नाम उनके सामने लेते हो तो उनके दिल में एक जेलसी पैदा हो जाती है उस इंसान के प्रति, और खुद के प्रति एक गुस्सा तैयार होता है, और ये कारण होता है उनको बहुत ज़्यादा दुख होने का, ये कारण होता है उनके मन ही मन वो पछताने लगती है। तो ये सेंटेंस भी आपने गलती से भी नहीं बोलना है। ये बातें सुनने के बाद क्या लगा आपको? क्या आप इसमें से कुछ बातें आपकी बीवी से कहते हैं? सो आज के बाद कसम खा लीजिए, कुछ भी हो जाए इसमें से एक भी बात आप अपनी पत्नी से नहीं कहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको लगा कि इससे आपको फायदा होता है तो ज़रूर दूसरों को भी होगा। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुँचाइए। धन्यवाद।